तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे यार। और आ चुकी है हमारे पास MI TV 4A। तो बिना किसी देरी के करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। दोस्तों 40 इंच की टीवी की अनबॉक्सिंग के लिए 4 इंच से बड़ा तो औजार होना ही चाहिए। तो आइए हम देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। दोस्तों बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमें टीवी का रिमोट देखने को मिलता है, आप लोग देख सकते होंगे। उसके बाद ये दो स्टैंड है। सब चीज को हम साइड में रखते हैं। अब निकल के नहीं रहा, ये बहुत टाइट है यार, ये बहुत ज्यादा टाइट है, निकल नहीं रहा। तो फाइनली इसका थर्मोकोल निकल चुका है बहुत मेहनत के बाद। इसको भी हम साइड में रखते हैं। उसके बाद ये रही टीवी, बहुत ही प्यार से इसे हम निकालेंगे। ऐसे निकाले समझ नहीं आ रहा है। 2000 years later. तो दोस्तों ये है टीवी, हमारे सामने आ चुकी है। तो दोस्तों टीवी को हमने खड़ा कर दिया है अपने पैरों पे। अब ये चल नहीं सकती है, इसको बस खड़ा किया है, इसके पैर दो लगाए हैं। तो आइए अब करते हैं टीवी को हम स्टार्ट। तो अब हम जा रहे हैं टीवी को ऑन करने। ऑन क्यों नहीं हुई, क्या हो गया, खराब हो गई क्या? ओ रिमोट यार, रिमोट से ऑन होती है। तो आइए दोस्तों करते हैं टीवी को ऑन। ऑन क्यों नहीं हो रही है? नानी आइए फिर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बैटरी लगी नहीं थी रिमोट में। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो गई है टीवी। सबसे पहले MI की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है, एंड्रॉइड। तो ये एक एंड्रॉइड टीवी है। और स्पेसिफिकेशंस मैं आपको इसकी बताऊंगा क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो आइए इसको इनिशियलाइज करते हैं। तो दोस्तों टीवी हो चुका है इंस्टॉल, आप लोग देख ही सकते होंगे। और मुझे एक खास बात इसमें क्या लगी कि बहुत छोटा सा रिमोट है, बहुत अच्छा और छोटा सा रिमोट है। इसमें हम लोग बाद में आएंगे, बात करते हैं पहले स्पेसिफिकेशंस की। ये MI का 4A टीवी है। और अगर मैं बात करूं इंचेस की, तो ये 40 इंच की इसकी डिस्प्ले है। और रेजोल्यूशन 1920x1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन। एंड आपको ये एक एंड्रॉयड टीवी मिलेगी आउट ऑफ द बॉक्स 9.2 एंड्रॉयड के साथ। और साथ ही में आपको सारी गूगल की चीजें मिलेंगी, मतलब प्ले स्टोर मिल जाएगा, प्ले स्टोर एक्सेस कर सकते हो, वहां से एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हो। आप लोग इसमें गूगल का असिस्टेंट भी यूज कर सकते हो, मतलब बोलकर टीवी को कमांड दे सकते हो, कुछ भी सर्च कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ इसके रैम की, तो 1GB का रैम इसमें दिया है, 8GB की इंटरनल स्टोरेज। तो आप इसमें सेव भी कर सकते हो अपना, कुछ भी आप डाउनलोड करो और इसमें सेव कर लो आराम से। प्राइस मैं आपको एकदम लास्ट में बताने वाला हूँ, क्योंकि वही सबसे प्राइस ब्रेकिंग चीज है, सस्ते और चीप में कितनी अच्छी टीवी है ये। एक बार साउंड क्वालिटी टेस्ट करके देखते हैं कि कैसी साउंड क्वालिटी है। यूट्यूब पर आते हैं सीधा और सर्च ऑप्शन में। सर्च के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, या फिर आप सीधे यहाँ पे गूगल असिस्टेंट यूज कर सकते हो। तो बहुत मेहनत करने के बाद हमने अपना चैनल खोल लिया है। तो आइए किसी एक चैनल की हम लोग साउंड क्वालिटी टेस्ट करते हैं कि कितनी अच्छी साउंड क्वालिटी है। आप बढ़िया हो गया। और अगर बढ़िया नहीं है, नहीं उससे पहले मैं आप लोग बात बताने वाला हूँ कि ये मैं शिवांशी दोस्तों, मैं एक स्टंट कर रहा था, बहुत तगड़ा स्टंट कर रहा था। तो आप लोग देख ही रहे होंगे या फिर सुन रहे होंगे कि साउंड क्वालिटी इसकी अच्छी है। और अगर आप इसमें अगर अलग से स्पीकर वगैरह लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। पोर्ट्स वगैरह इसमें दी गई है सारी। पोर्ट की बात करो तो आपको इसमें 3 HDMI की पोर्ट मिलेगी, उसके बाद ईथरनेट की केबल मिलेगी। तो आप डायरेक्टली इसमें अपना अगर इंटरनेट कनेक्ट करना चाहते हो राउटर से तो कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑडियो जैक की पोर्ट भी मिलती है इसमें, और इसमें आपको 2 USB पोर्ट मिल जाती है। तो अब हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं गूगल असिस्टेंट से, थोड़ा ट्राई करते हैं वॉइस इनपुट, देखें कि कैसे वर्क करता है इसका वॉइस इनपुट। इसमें एक पहले से बटन दिया गया है गूगल असिस्टेंट का, इसको आप प्रेस करते ही गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है। ट्रेल माय टेक,
तो सबसे पहले हमारा ही चैनल इसने सर्च किया है, तो आप समझ रहे हो दोस्तों हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। तो यार अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना सब्सक्राइब, मैं लास्ट में भी एक बार जरूर से बोलूंगा सब्सक्राइब के लिए, तो अभी करो सब्सक्राइब तो ज्यादा अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ रिमोट की, तो काफी सिंपल रिमोट है, आप लोग देख सकते होंगे इसमें ज्यादा कुछ बटन वगैरह नहीं दिए हैं, एक अमेजोन एक नेटफ्लिक्स का बटन होगा और एक अमेजोन का बटन होगा, ये प्राइम का बटन है, आपको अगर डायरेक्ट प्राइम पे जाना है तो आप प्राइम पे क्लिक करके जा सकते हो, और इधर नेटफ्लिक्स का है। उसके बाद आपको बटन देखने को मिलता है गूगल असिस्टेंट का, डायरेक्टली आप वॉइस असिस्ट कर सकते हो। उसके बाद एमआई के कुछ बटन्स और दिए गए हैं इसमें, आप चेक कर सकते हो, एमआई के बटन है, बैक बटन है, और डायरेक्शन के लिए आपको राइट लेफ्ट एंड अप डाउन का बटन मिल जाता है, और ओके के लिए बटन मिल जाता है। तो बहुत काफ़ी सिंपल रिमोट है, कॉम्प्लेक्स रिमोट नहीं है। तो एक बार नेटफ्लिक्स का बटन दबा के देखते हैं, और ये सीधे नेटफ्लिक्स, हम सीधे नेटफ्लिक्स पे जंप कर जाएंगे। हालांकि हमारे पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है नेटफ्लिक्स का, तो वीडियो नहीं चल सकते हैं, तो इसीलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो आप, तो थोड़ा सा मैं भी नेटफ्लिक्स एंड चील कर सकता हूँ। तो अब अमेजोन का अगर मैं बटन दबाता हूँ, अमेजोन प्राइम का, तो ये सीधे लैंड करता है अमेजोन प्राइम के पेज पे। आप लोग देख ही सकते होंगे कि अमेजोन प्राइम खुल रहा है, अभी खुला नहीं है। उसके बाद दोस्तों मैं कुछ और बातें करना चाहता हूँ कि जो इसके ये बेजल्स हैं, बहुत कम बेजल्स आपको देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े बेजल तो नहीं है इसके, लेकिन बहुत कम बेजल है, और जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा है। तो आइए अब अमेजोन प्राइम कुछ ओपन करके देखते हैं। दोस्तों सब्सक्रिप्शन अमेजोन प्राइम का नहीं है मेरे पास, तो उसके लिए भी कर देना यार सब्सक्राइब। एक साउंड टेस्टिंग हम लोगों ने कर ली, लेकिन अब आते हैं दूसरी साउंड टेस्टिंग में, म्यूजिक की टेस्टिंग। तो म्यूजिक की टेस्टिंग कैसी है, वॉल्यूम बढ़ाते हैं थोड़ी सी। The webs around your soul, there's no control. तो ये दोस्तों इसकी फुल वॉल्यूम थी, अभी फुल वॉल्यूम पे हमने टेस्टिंग करी थी इसकी ऑडियो की, अच्छी ऑडियो क्वालिटी है। दोस्तों और बात करते हैं इसकी दूसरी स्पेक्स की, तो आपको क्रोमकास्ट बिल्ट इन मिलता है, एंड आपको इसमें पैच वॉल, एमआई का पैच वॉल स्मार्ट टीवी व्यूअर वो भी मिलता है। तो स्मार्ट टीवी व्यूअर पैच वॉल में आप जाके सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो, मूवीज टीवी शोज वगैरह। उसके बाद एप्स इसमें कौन कौन से इंस्टॉल्ड है, आप इसमें ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, एप्लीकेशंस इतने सारे एप्लीकेशंस अभी फिलहाल के लिए इसमें इंस्टॉल्ड है, नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम लाइव टीवी यूट्यूब वगैरह इंस्टॉल्ड है, अपने हिसाब से आप इसमें कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि इसकी प्राइस कितनी है। मैंने इसे डायरेक्ट स्टोर से ली थी, तो मुझे 18,499 की पड़ी थी ये। ओरिजिनल प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये आपको 19,999 की पड़ने वाली है, डिस्काउंट पे मुझे 18,499 की पड़ी थी। लेकिन अगर आप इसको ऑनलाइन लोगे, फ्लिपकार्ट से अमेजोन से खरीदोगे, मैंने इसे एमआई स्टोर से खरीदी थी, और अगर आपको ऑनलाइन लेनी है फ्लिपकार्ट अमेजोन से, तो आपको ये 17,999 की पड़ जाएगी। लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके वहां से ले सकते हो। काफी कम प्राइस में आपको एक अच्छी टीवी देखने को मिलती है, और इसमें ज्यादा झंझट नहीं है, मैंने इसे खुद इंस्टॉल किया, मैंने किसी को बुलाया नहीं इंस्टॉल करने के लिए। तो टीवी निकाल के बस पावर देनी है एंड यू आर गुड टू गो, आप सीधे टीवी, आपकी टीवी सीधे स्टार्ट हो जाने वाली है। अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या क्या आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, तो नेटफ्लिक्स अमेजोन यूट्यूब ये सारी चीजें आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलती है, इसका बस आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, उसके बाद कोई भी टीवी शो इस पे देख सकते हो। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो के लिए, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ किसी एक अनबॉक्सिंग या फिर टेक न्यूज के साथ। टिल देन बाय बाय। दोस्तों एक बात मैं आपको भूल गया बताना यार, कि नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को दबाना, दबा दो यार, अच्छा मोटिवेशन मुझे मिलता है, और लाइक कर दोगे तो ज्यादा अच्छा होने वाला है। एम करते हैं इस वीडियो में लाइक का, हम लोग 75 लाइक का, कर देना यार 75 लाइक। पिछले वाले वीडियो पे आप लोगों ने लाइक कर दिया था, 50 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर दिया था, और कमेंट में बताना कि कैसी लगी आपको ये टीवी, और घंटी का बटन दबा दोगे तो यार एकदम मजा आ जाने वाला है, कोई भी नया वीडियो का आपके पास तुरंत पहुंच जाने वाला है। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा।